दोस्तों ये है गोलगप्पे वाली कचौरी। वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो आज मौसम हो गया जामपाड़, बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया। महाकाल ने सुन ली लगता है, बारिश हुई है हल्की फुल्की और मौसम हो गया बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ से निकलते हैं भाई, एक है फॉल पताल, रानी घर के फॉल है, तो वहाँ लेकर चलता हूँ। इंदौर के अंदर बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही शानदार व्यू आने वाले हैं, और उसके बाद चलेंगे ओमकारेश्वर, भोले बाबा के दर्शन करेंगे बढ़िया वाले दोस्तों। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मौसम दिखा देता हूँ आपको, क्या बेहतरीन मौसम हो चुका है भाई। 6 दिन से रहा, 6ठा दिन है मेरा MP के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 6ठा दिन है, और मौसम भाई गर्मी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन आज का मौसम है ना, दिल खुश हो जाएगा आपका, गार्डन गार्डन हो जाएगा दिल। दिखाता हूँ आपको मौसम, काले काले बादल और थोड़ी बहुत हुई है बरसात, हो चुका हूँ मैं भी लेट, और निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो दोस्तों जय शंकर की, हर हर महादेव। तो इंदौर में आया, नाश्ता ना करें तो बेकार है ना। अभी कचौरी खाएंगे, कचौरी मज़ा आ जाएगा भाई। कचौरी बहुत अच्छी बनाता है, क्योंकि कल मैंने यहाँ पे कचौरी खाई थी, और यहाँ पे होटल ऊपर होटल है ये, यहाँ से तो भाई थोड़ा गंदा मंदा दिख रहा, लेकिन होटल अच्छा था, और ये रूम तो आपको पता ही अच्छे होते हैं। और इसी का होटल वाले का रिद्धि सिद्धि एक छोटा सा वो खोल रखा है, यहाँ पे खाएंगे कचौरी। फिर कचौरी तैयार है, कचौरी खिला दो चटनी के साथ, बढ़िया वाली। तो ये है गोलगप्पे वाली कचौरी, ये देखो पूरा स्टफ हो चुका है, और इस गोलगप्पे को खा लूंगा मैं अंदर, लेकिन बहुत बड़ी कचौरी है, पूरा भर दिया भैया ने बस यहाँ से। तो दोस्तों कचौरी तो बहुत अच्छी थी, अब वड़ा भी चेक कर रहा हूँ, मजा आ गया। तो जय हिंद दोस्तों, फ्लैग देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, मान लो मान लो मान लो, कहाँ इंतजार की बारिश आ चुकी है यार। तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है भाई, हल्की हल्की बारिश है अभी, और मौसम तो बहुत ही जबरदस्त हो चुका है। देखो वाटरफॉल तक पहुँचते पहुँचते क्या हाल होता है, बंदा। तो दोस्तों बारिश तो बंद होने का नाम ही ले रही है, लेकिन हमें तो जाना है वाटरफॉल, ठीक है, तो हम जाएंगे पाताल पानी वाटरफॉल, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आ गया, तो आखिर पहुंच गए हम पाताल पानी वाटरफॉल के पास। तो यहाँ पे बाइक पार्क करेंगे, उसके बाद चलो भाई देख के आते, बारिश ही बंद हो गई है, हल्की हल्की है बिल्कुल, चिन्नी चिन्नी सी, तो चिन्नी चिन्नी सी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आप इंदौर से गूगल को अब मैप डालो और सीधा पहुंचोगे, हाँ जी, तो आप यहाँ से पहुंचो सीधा, 30 किलोमीटर दिखाएगा इंदौर से पानी पाताल पानी वाटरफॉल, तो फटाफट वहाँ पहुंचो। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, आपको दिखा के लाता हूँ क्या सीन है वाटरफॉल का। तो दोस्तों आवाज़ तो सुनाई दे ही रही होगी पीछे से, और एक बार यहाँ से दिखाता हूँ, ये बरसाती फॉल है, वाटरफॉल है, तो ऐसा नहीं है कि भाई जब बारिश नहीं होती तो मतलब मुश्किल ही मिलेगा, क्योंकि जो पहाड़ों का पानी है वही इकट्ठा होकर फिर नीचे आता है वाटरफॉल। तो अगर आपको वाटरफॉल देखना है तो सबसे बेस्ट मौसम आपको नवम्बर तक मिलेगा, सबसे अच्छा वाटरफॉल अगर देखना है तो। बाकी मैं दिखाता हूँ जैसे पानी इकट्ठा होकर फिर कैसे निकलता है और कैसे जाता है वहाँ तक।
तो दोस्तों काफ़ी अच्छी जगह है, पाताल पानी और पाताल रानी भी कहते हैं इसे। लेकिन भाई यहाँ ना जो बंदर है ना, इनसे थोड़ा सावधान रहना, मतलब कब आपका मोबाइल चश्मा कब लेकर भाग जाएंगे कुछ नहीं पता, फिर इन्हें चाहिए होगा रिश्वत। तो रिश्वत देने के बाद ये दे भी दें, नहीं तो भैया इनके नीचे मिलेगा फिर आपको मोबाइल, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर आप इंदौर आए हो तो पाताल पानी एक बार जरूर जाना, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा शानदार व्यू है आसपास, आप नेचर के बिल्कुल कनेक्ट हो जाओगे। तो ज़्यादा दूर नहीं है, इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है सिर्फ। तो और टाइमिंग मैं बता देता हूँ कि सुबह 6 बजे खुल जाता है और उसके बाद शाम को 6 बजे तक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि शाम को 6 बजे तक ही है, कहीं आप लेट आओ और यहाँ पे आओ तो भाई मत आना इससे बढ़िया। तो और दिखेगा भी नहीं, खैर अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, झरना दिखेगा नहीं आपको। दूसरी बात है कि भाई ये ना सिर्फ सर्दियों तक चलेगा, उसके बाद ये झरना बंद हो जाता है क्योंकि बरसाती झरना है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना अपने उसमें। और यहाँ से अब निकलने वाला हूँ मैं ओमकारेश्वर के लिए, जो कि 77 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ओमकारेश्वर यहाँ से टाइमिंग दिखा रहा है 2.25 घंटे का, तो 2.25 घंटे लगने वाले हैं ओमकारेश्वर के। तो निकलते हैं यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बजा देना, ताकि जो नई वीडियो आती है आप उससे कनेक्ट हो सको। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो हम निकलते हैं ओमकारेश्वर।